दर्पणा इति अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की एक लड़का खूब खेल करके आया है और भूख लगी है खूब, प्यास भी लगी है। पहले पानी पी करके प्यास बुझाने की वह चेष्टा करता तो माँ बोलती है, नहीं अभी पानी नहीं पी सकता। क्यों? पहले पानी पी लेगा तो खाना खा नहीं सकेगा, इसलिए पहले खाना खा ले फिर बीच में थोड़े पानी पी करके फिर बाद में और पानी पी ले। अब यह उस लड़के के लिए बहुत मुश्किल सी बात हो गई, फिर भी उसके बिना भोजन नहीं मिलेगा, इस वजह से वह बैठ गया और रसोई परोस दी गई, खीर परोस दी गई और वह खाने के लिए खा लेता है, खाने डाल देता है थाली में हाथ और हाथ जल जाती है। जब चक्कर लगने से वह सू सू करने लग जाता है तो माँ बोलती है, थोड़े संयम तो रख। तो आज का दिन, कल तक तो असंयम थे और कल की बात तो अलग है, आज का संयम उत्तम संयम का दिन है। अब वह उत्तम जो है परमार्थ क्षेत्र में है, लेकिन संयम के बिना कोई भी क्षेत्र शोभा को प्राप्त नहीं होता। जब रसोई भोजन करना है, अपनी माँ ही परोस रही है और खूब खाना है, भूख लगी है, फिर भी पानी मत पीना और थाली सामने रखो और नमोकार मंत्र बोलो, बैठ जाओ थोड़े बहुत। अब जब तक वह ठंडी ना हो तब तक हाथ नहीं लगाना उसमें। फिर भी यदि धीरे धीरे काम चालू करना है तो किनारे किनारे से कर देना ताकि एक्सीडेंट ना हो। संयम की बात है, प्रत्येक क्षेत्र में संयम की बात है। संयम की रेखा का उल्लंघन प्रत्येक के लिए अभिशाप सिद्ध होता है। अस्पताल की बात है और तारीख दी गई है 15 तारीख के दिन एक बड़ा ऑपरेशन होना है और सिविल सर्जन वहां पर विद्यमान है और उनके अंडर में लगभग 10-12 जो हैं स्पेशलिस्ट जिसको बोलते हैं, बिल अपने अपने अनुभव को लेकर के आए हैं। कंपाउंडरों की गिनती हम नहीं कर सकते कितने होंगे। इसी प्रकार सब वह मंडल, चिकित्सक मंडल वहां पर विद्यमान हैं। तारीख 15 और चालू करना है 2 बजे से और लगभग पहले से समय निश्चित हो चुका है। इस ऑपरेशन में इतना समय लगेगा, कितना समय लगेगा? 3 घंटे का समय लगेगा। 2 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा और 5 बजे छुट्टी। प्रत्येक व्यक्ति को पहले से ही नियुक्त किया गया है कौन सा कार्य करना होगा, कब क्या करना होगा, कौन सी दवाई लगानी होगी, कौन सी कैंची, कौन सी यह, सब वहां पर प्रबंध लाइन सब पड़े हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, कोई भी नहीं बोल रहा, पहले से ही कह दिया गया है कोई भी बोलेगा नहीं।
रेडियो वगैरह, रेडियो वहां पर लगती नहीं, कोई भी नहीं रखा गया, बाहर की आवाज अंदर नहीं आएगी, अंदर कोई आवाज ही नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस इसको बोलते हैं। मतलब क्या पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब ये है कि पिन भी गिर जाए तो आवाज आ जाए, तो आवाज सुनने के लिए कान होशियार हो। यहां पर मोटरसाइकिल भी गिर जाए किसी को पता नहीं पड़ता कि गिरी है क्या नहीं गिरी। तो इस प्रकार शब्द सारे सारे हैं और 2 बजे कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। पूरा का पूरा ऑपरेशन हो गया, केवल 16:15 इसको एक पाई कह सकते हैं शेष रहा है, और सब लोगों को सफलता के बारे में बहुत ही खुशी है। लेकिन जो ऑपरेशन कर रहा मेन, उसके चेहरे के ऊपर अभी खुशी के चिन्ह नहीं है, अपनी सफलता के बारे में अभी भी संदेह है उसे, क्योंकि एक समय में भी थोड़ी असावधानी होती है तो यह मरीज बच नहीं सकता। और एक बाल मात्र थोड़ी इधर जो है जो कटना नहीं था वह कट गया, काम फेल हो गया, और सब उस चिकित्सक दल की बदनामी हो गई, अपनी विद्या कला इसकी भी बदनामी हो गई। कला ठीक थी, रोग ठीक नियम से हो जाता, सब कुछ हो जाता, लेकिन केवल संयम के स्थान पर असंयम आ गया। आंख के पलक मार जाना भी उस समय के लिए खतरा माना जाता है। और आप यात्रा कर रहे हैं मान लो, और उस समय गाड़ी चल रही है 70-80 स्पीड से, और उस समय आप लोग भले सो जाएं, और एक समय के लिए थोड़ी के लिए समय के लिए ड्राइवर को यदि आंख, तो क्या होगा, आप सब उठ जाएंगे। किसका काम है ये, असंयम का काम। तो 3 घंटे तक जो शल्य चिकित्सा की गई और उसमें पूरी सफलता मिली, और 1 सेकंड के लिए हाथ जहां पर जाना था वहां पर न जा करके अन्य स्थान में चला गया और वह कार्य समाप्त हो गया। लौकिक क्षेत्र में भी, लौकिक क्षेत्र में भी इस प्रकार का संयम आज भी चल रहा है। तभी तो बड़े बड़े खतरनाक रोगों के लिए भी आज चुनौती दी जा रही है। लेकिन ये ध्यान रखो, उन लोगों का संयम वही जानते हैं कैसे रखते हैं। उस समय मान लीजिए पंखा बंद हो जाए तो बंद ही, उस समय मान लीजिए लाइट बंद हो जाए तो बंद ही, उस समय भूख लग जाए, लग कैसे सकती है, भूख लग ही नहीं कर सकती, पेट खाली नहीं होगा, पेट खाली हो सकता, पेट का खाली होना तो संभव है नहीं, सहज है, स्वाभाविक है, क्योंकि उसका वह, उसकी वह प्रक्रिया है। किंतु भूख लगने की प्रक्रिया उन 3 घंटे के बीच में संभव नहीं है। क्यों संभव है क्या भैया, क्यों नहीं संभव, क्यों नहीं संभव, क्या वो, क्या उनके पास रोटी बेटी उन्हें कुछ नहीं है, जब घर में रोटी है तो भूख लगनी चाहिए, जब त्याग नहीं किया तो भूख लगनी चाहिए, क्यों नहीं लगती भूख।
अरे भूख भी प्रशिक्षित है और भूख भी संयत है, भूख भी जानती है यदि मिलने वाली हो तो लगती है, नहीं मिलने वाली हो तो अहम सिद्ध करती है। ये कैसी महाराज, बिल्कुल आप देख लीजिए, जब मिलने वाला ही नहीं है तो भूख नहीं लगेगी, और भूख लगी है क्या नहीं इसको पूछने वाला कौन है? मां यदि कानों से सुनी नहीं तो वह लड़का कितने घंटे बजा दे वो कभी भी नहीं उठने वाली। अब वह लड़का सोचता है कैसे करूं, आवाज लगा दी, रोया चिल्लाया, सब कुछ कहा, मांगा, कुछ नहीं मिला। अब कौन से बटन दबा दीजिए, अब पूरी की पूरी रसोई ऊपर रखी गई है। अब वह सोचता है, हे भगवान, मां की बुद्धि पलट जाए तब कहीं जाकर के हमारा काम बनेगा। तो यह भगवान से भजन करता है कि बुद्धि पलट जाए, उपयोग इस ओर डायरेक्ट हो जाए। उपयोग यदि इस ओर नहीं आता है तो कोई भूख लग नहीं सकती। संयम की बात, 3 घंटे नहीं, 4 घंटे नहीं, 6 घंटे तक हो सकता है, उसके लिए इसी प्रकार प्रशिक्षण दिया जा। तुम्हें अब 10 दिन तक खाने की कोई आवश्यकता नहीं, और दूसरी बात, यदि खाने को याद भी करोगे तो प्राण टिकने वाले नहीं। इस प्रकार यदि कोई डॉक्टर कह देता है तो क्या याद आएगी? जीवन जब की प्रिय है, और यदि मौत से कोई डरने वाला नहीं है तो याद कर ले। संयम की एक सीमा होती है, संयम के साथ एक विवेक होता है, उसके द्वारा सब कुछ काम होता रहता है, या प्रशिक्षित संयम माना जाता है। संयम के क्षेत्र में जाने से पूर्व यह प्रशिक्षण लेना आवश्यक है, और वह भी उत्तम संयम की बात है। मिलिट्री भर्ती होने से पूर्व यह प्रशिक्षण दिया जाता है, तुम्हें सबसे बढ़िया तो खाना पीना सब कुछ मिलेगा, लेकिन जब तक वार की कोई उधर से वारंट नहीं आई है तब तक के लिए, किंतु जिस समय लड़ाई छिड़ जाएगी उस समय 10 लाख सन पर्व लग जाएंगे। नहीं समझे, अष्टानिक लग जाएगा, 16 कार्य भावनाएं चलेगी, यह रत्नत्रय चलेंगे। कौन से? सारे के सारे व्रत, और वो भी कैसे? अच्छे मिलने चाहिए, एक बार मिलता है नहीं, वो कौन से चलता है ना, एक ही धान से चलता है कोई वैसे व्रत। हाँ, तो कोई चावल लेता है, कोई चना लेता है, कोई ये लेता है, कोई ये लेता है। उसी प्रकार उन दिनों मिलिट्री चना खा खा करके, और पानी मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो उष्ण परिचय भी सहन करो, क्षुधा परिचय भी सहन करो, तृषा परिचय भी सहन करो, निद्रा को सहन करो, और देखो कैसा संयम पालन करती है मिलिट्री उस बॉर्डर पर युद्ध के काल में, कि बस कोई कुछ भी वहां पर कार्य नहीं कर सकता, दैनंदिन कार्यक्रम सब ठप। एक एक गर्भ में 8-8 दिन तक मिलिट्री रहती है, रह सकती है। यहां पर कोई रह रहा है किसी को पता नहीं लगेगा, वह इसी सुराख में रहती है कि सामने वाला कहां पर है, कैसे है, उसकी तलाश, उसकी ओर बढ़ना, और कुछ भी पता नहीं पड़ता। झाड़ी में छुप करके रहती, जैसे झाड़ झंकारी ही रह गई। ये क्या है? डिसिप्लिन।
एकमात्र कानों से वह सुनता रहता है कि पीछे वाला जो कमांडर है वह हमें क्या कह रहा है, बस वो संकेत मात्र उसके पास रहते, कोई भी और संबंध नहीं। ये एकमात्र संबंध अपने कोटवर्ड होते हैं, उसी के माध्यम से वह दिशाबोध ले लेती है मिलिट्री। रात और दिन एक, सुबह और शाम एक, निद्रा और जागृति एक। निद्रा संभव ही नहीं, कैसी निद्रा संभव नहीं, कुछ नींद लग जाए, कुछ सुनते हैं प्रवचन सुनते सुनते भी नींद आती है, वो नींद प्रशिक्षित नहीं है, पागल होगी। उनकी नींद जो होती है संयतों की, वह समय पर आती है और अपनी सीमा में आती है, सीमा का उल्लंघन तीन काल में संभव नहीं है। महावीर भगवान श्वेतांबर ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है, 12 वर्ष के काल में एक अंतर मुहूर्त निद्रा ली थी और वह भी निद्रा खड़े खड़े। खड़े खड़े कैसे लिए होंगे, खड़े खड़े निद्रा का अर्थ आराम, निद्रा का अर्थ परिश्रम जो शरीर को हुआ उसके लिए रेस्ट दे देना। इस प्रकार अप्रमाद दशा संयम दशा चलती है, तब जिस प्रकार हम चाहते हैं उस प्रकार का फल सामने आ जाता है। फल की ओर देखने से फल नहीं आता, श्रम की ओर देखने से और श्रम करते रहने से फल सामने आ जाता है। फल और कोई वस्तु नहीं है, इसी साधना का ही तो फल है। साधना जैसे हम करेंगे उसके अनुसार फल मिलेगा। संयम की बात है, संयम के डाली पर ही पक्व फल लगता है और जो कि स्वादिष्ट हुआ करता है, और असंयम के फल पर दाल पर कौन सा लगेगा, फल क्या फूल तक ही समाप्त हो जाएगा। असंयम के कारण उंगलियां जल गईं, खीर स्वादिष्ट है लेकिन संयम नहीं रखा। धीरे धीरे आप किनारे से प्रारंभ कर दीजिए, यदि उतावले है तो उतावले करना ही नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा आहार बनाने के लिए तो समय लगा, लेकिन स्वाद लेने के लिए ये लोग जल्दी जल्दी ले लेते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। संयम रखना चाहिए ना। ये लोग समझते हैं कि ज्यादा खा लेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा, ऐसा नहीं आनंद आता, समय पर ही तो आनंद आएगा। ये यहां पर जीवा पर जितने समय के लिए रहेगा तो उतना ही तो स्वाद आएगा, वह एक सेंटीमीटर जगह के भीतर यदि घुस जाए वह हलवा भी और रसगुल्ला भी और गुलाब जामुन भी, वो फलाफल बर्फी भी, वो सब जो है मिट्टी के समान है, उनमें स्वाद आता कुछ भी नहीं आता। जिह्वा के अग्रभाग पर स्वाद लेने का एक स्थान रहता है और वह जितनी पैनी हो जिह्वा स्वाद लेने में होशियार मानी जाती, और जो थापी के समान रहते हैं जो स्वाद लेने में कोई किसी प्रकार की कमजोरी रहती है, जल्दी जल्दी खाने वालों को स्वाद नहीं आएगा। संयम के साथ खाइए और संयम के स्वाद ही सूंघिए और संयम के साथ सब कुछ करिए, तब उसमें आनंद आ सकता है। ज्ञान आएगा तो आनंद आएगा, और ज्ञान ही नहीं है, छुआ ही नहीं और नीचे उतर गए तो क्या मतलब, दिखाया और चल दिया है तो क्या मतलब। उसके साथ परिचय होना आवश्यक है, अनुभव होना आवश्यक है, और उस समय परिचय लेने वाला अनुभव करने वाला वहां पर प्रेजेंट होना भी आवश्यक है। पास्ट में और फ्यूचर में स्वाद नहीं आता, और इच्छा के साथ भी स्वाद नहीं आता, स्वाद के साथ सब भाव समाप्त होना चाहिए। अर्थ ये निकला, संयम के बिना शांति सुख आनंद का अनुभव संभव नहीं। हम चाहे लौकिक सुख देख लीजिए या पारमार्थिक सुख लीजिए, संयम के साथ ही हम स्वाद ले सकते हैं, सुख का अनुभव कर सकते हैं। संयम प्रत्येक क्षेत्र में अनिवार्य है। संयम रखने वाला अपने जीवन की रक्षा कर सकता, और जीवन की जो रक्षा करेगा वह सुरक्षित जीवित को, जीवन को ही वह सुख तक पहुंचा सकेगा। इस पर्याय में रक्षा की भी आवश्यकता है और संयत बनने की भी आवश्यकता है, फिर सुख का अनुभव लेना भी आवश्यक है। संयम सुख की भूमिका है, संयम सुख की भूमिका है, शांति की यह पृष्ठभूमि है,
जब कभी भी सुख का अनुभव हुआ, सुख का फल मिला है, तो यह संयम रूपी फूल के माध्यम से ही मिला है। हम संयम को यदि समाप्त कर दें, समाप्त हो जाता है। अभी भी कुछ दिनों पहले एक लेख पढ़ा था, रूस में लेटेस्ट एक अनुभव किया गया है कि दिन में किस प्रकार ये संसारी प्राणी का असंयम चलता है और रात में किस प्रकार का असंयम समाप्त हो जाता और संयम आ जाता है। दिन में जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनको पढ़ाया गया, सिखाया गया और सब बच्चों की परीक्षा ली गई। परीक्षा लेने के उपरांत जो परिणाम निकला, जिस बच्चे के जितने नंबर आए थे, फिर इसके उपरांत इस परिणाम में अंतर आता है क्या नहीं, अब जो को बच्चे की बात है, बूढ़ों की भी नहीं, प्रौढ़ों की भी नहीं, विषय कषायों की भी बात नहीं, जहां पर विषय और कषाय छूते नहीं वहां की बात कह रहे हैं, फिर भी उन दोनों में कितना अंतर पड़ जाता है कि दिन में जो पढ़े थे बच्चे, जो फर्स्ट डिवीजन में आए थे, मतलब 60 नंबर लेकर के आए थे, जिस पेपर में 60 नंबर मिले थे, जिस पेपर में 50 नंबर मिले थे, जिस सब पेपर में 40 नंबर मिले थे, इस प्रकार के विद्यार्थियों को उन विषय के जो पेपर रात में उसे टीचिंग करके दिया गया है एक मशीन के माध्यम से, और मशीन के माध्यम से दिया गया और फिर इसके उपरांत परीक्षा के लिए भी एक प्रयोग किया गया, तो ध्यान रखिए रात में जो प्रशिक्षण दिया गया था उसमें उनका जो उनकी जो पकड़ थी वह अलग पकड़ थी। जो सेकंड डिवीजन में आया था वह फर्स्ट डिवीजन में आया, और जो फर्स्ट डिवीजन में 60 नंबर लेकर के आया था उसे 70-80 तक नंबर आ गए। विद्यार्थी वही ज्यादा दिन अंतर कौन लेकर के नहीं, बहुत कम समय में इस प्रकार का। तब बाद में निर्णय लिया इन लोगों ने, हां दिन में असंयम रहता है। असंयम का मतलब वैसे तो दिन में संयम होना चाहिए, रात में भले ही असंयम हो जाए क्योंकि निद्रा है, तो वह अलग दृष्टि से अध्ययन कर रहे हैं। दिन में असंयम इसलिए कि जिस ओर हमारी दृष्टि होना चाहिए, जिस ओर हमारा उपयोग जाना चाहिए, जिस ओर हमारा ध्यान बंधना चाहिए वो नहीं बंधता, वह नहीं बनता। इसीलिए कई लोगों की बात यह है कि महाराज हम दिन में तो मधुवन से पार्श्वनाथ हिल तक जा नहीं सकते, ये भी एक ताज्जुब की बात है। भैया रास्ता तो उतना ही, रात में कोई कट जाता हो, कम हो जाता हो, ऐसा तो है ही नहीं। महाराज आप तो दिन में जाइए, हम तो रात में, हम तो आप पार्श्वनाथ भगवान की हिल पर आपको मिलेंगे, आपके साथ हम नहीं चल सकते। भैया हम तो आपकी चाल के अनुसार ही चलते हैं, चलिए। नहीं महाराज ये हमारे वश का नहीं। क्यों, क्या बात है? महाराज ऐसा है कि पार्श्वनाथ हिल सामने दिखता जैसे छाती पर गिर रहा है। बार बार मंजिल की ओर देखने से ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, और मुनि महाराज बार बार देखते जाए और देखने में आ भी जाए तो भी उनकी दृढ़ता ऐसी रहती है कि भाई अपने को इतना चलना है, स्केल बांध करके चलते हैं, एक चाल से चलते हैं। इन लोगों के एक अंदर नाला अलग है, फलाना नाला अलग है, वहां पर बिस्किट खरीदो, वहां पर लड्डू रखे हैं, लेकिन बाद में मिलते हैं, अभी नहीं मिलते। ये चलती रहती चर्चा, स्थिति ऐसी है, ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति पार्श्वनाथ हिल तक जाने तक वे कहता है, हे भगवान इतना कष्ट यदि आपको हो जाता तो डबल बार केवल ज्ञान आपको हो जाता, लेकिन फिर भी हमें केवल ज्ञान नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा है कि कष्ट तो हो रहा है उपयोग के अभाव में। बार बार उस ओर उपयोग ले जाते हैं, दिन में जाते हैं तो इधर देखेंगे चक्कर आएगा, ओ भी इतने ऊंचाई तक कैसे जाए, और जन दिन पौ फट जाता है, 4:30-5 बज जाते हैं गणदर टोंक के ऊपर, ये नीचे देखो ये कितने पार करके आ गए, हमें पार करके आ गए, तो हाँ हमें ही आए।
लेकिन दिन वाले नहीं रात वाले आए हैं। दिन में उतर सकते हैं महाराज, रात में चढ़ सकते हैं। तो ये अर्थ हुआ कि डर बहुत लगता है, संयम की कमी है। चलते तो वही हैं, वो भी पैदल ही चलते हैं, ऐसी बात नहीं। बीच में कोई खाने वाले भी नहीं होते हैं, ऐसे भी रहते हैं, लेकिन फिर भी रात में चढ़ने वाले ही रात में चढ़ते हैं, दिन में चढ़ने वाले दिन में चढ़ते हैं। और उनसे पहले हम आ जाते हैं, महाराज क्या बात हो गई, आपके पैरों में मशीन तो नहीं है, कोई मंत्र हो तो बताओ, हम भी आ जाएं जल्दी जल्दी। ये ऐसा है, आकुलता करने से तो कोई काम जल्दी हो नहीं सकता। आकुलता क्यों करो, जल्दी जल्दी चलो, फिर बाद में धीरे धीरे करो, एक चाल से चलो तो को अपने समय पर आ जाएंगे। बंधा हुआ है रास्ता। तो इसी प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में हमें हमारा उपयोग बहुत डाइवर्ट होता रहता है, इतना डाइवर्ट होता रहता है कि जितने समय के लिए वह भूमिका से बाहर गया है, वो शक्ति का अभाव हो गया, और यूं कहना चाहिए कि उसका उपयोग कोई कुछ भी नहीं हुआ। वो भी आवश्यक है, लेकिन इतना आवश्यक है नहीं जितने आप कर लेते हैं। तो दिन में मन का विषय कम हो जाता है, दिन में क्योंकि शिक्षण जो मिलता है वह मन के माध्यम से ग्रेस्पिंग किया जाता है, तो दिन में जो होता है उसके साथ साथ अन्य आवाज भी आते रहते हैं, प्रकाश के द्वारा अन्य दृश्य भी देखने में आ जाते हैं, अन्य दृश्य दिखा तो ये क्या है, इस प्रकार की भी आदत पड़ी हुई रहती है। भले जल्दी जल्दी हम डाइवर्ट कर दे नहीं हो पाता। एक अभिवाचना के काल में व्याघात का प्रसंग आया था। व्याघात का मतलब क्या है, बाधा को प्राप्त हो जाना। योग यदि बिना व्याघात का चलता है तो अंतर मुहूर्त से चलता है, नहीं है तो वह बीच में ही समाप्त हो जाता है। समझने के लिए कि बोलने की दृष्टि से वचन योग मेरा अंतर मुहूर्त चलेगा, बीच में किसी ने कह दिया कि महाराज इस विषय को स्पष्ट करिए, दूसरे उदाहरण दे करके, तो उस उदाहरण की ओर गया और उस विषय को स्पष्ट करने के लिए गया, तो वह वचन योग रुक गया, कुछ समय के लिए मनोयोग आ गया, व्यवधान को प्राप्त हो गया योग। और यह व्यवधान यदि बार बार हो जाता है तो नियम से ध्यान रखना, बहुत ही डेंजर जिसको बोलते हैं। इस प्रकार की यदि व्यवधान आप वहां पर करके देखो, कहां पर, अस्पताल में गए आप, पूछा गया क्यों भैया कैसा है, पेट में दर्द होता है, जहां होता था वहीं पर है क्या, कुछ आजू बाजू में हो रहा, वहां पर भी होता है, कुछ आजू बाजू में भी हो रहा है, अच्छा कितने देर तक दर्द रहता है, दवाई लेने के उपरांत 2 घंटे तक रहता है, फिर बाद में शांत होता है, रात में नींद आती है, नींद थोड़ी सी कम हो गई है, अच्छा अच्छा ये सारी बातें बता दी उन्होंने, 4-5 जो कुछ भी थी लिख दी, फिर इसके उपरांत दवाई वह ठेरी ठेरी डॉक्टर साहब क्या है, नहीं नहीं ऐसा है कि आजू बाजू में भी होता है, ऊपर भी थोड़ा होता दर्द, और निद्रा जो है आती नहीं, भूल गया मैं तो, कल तक तो आती थी अब आज आती नहीं, और 2 घंटे के लिए जो दर्द कहा था वो 2 घंटे के लिए नहीं, अब 24 घंटे रहने लगी है। और दूसरी बात है, आपने पहले पूछा था कि शौच के लिए कितने बार जाते हैं, आप तो शौच ही नहीं जाता। ये 4-5 बातें कहते ही डॉक्टर साहब का माइंड दूसरा, कोई भी गुस्सा आने वाला हो तो शीशी फेंक देगा वो, ऐसा क्यों, उनका योग व्याघात को प्राप्त हो गया, उनका योग व्याघात को प्राप्त हो गया।
जो दवाएं उन्होंने कहा जो गया था उसकी अनुरूप उन्होंने दवाइयों का निदान कर ली, ये दवाई इतनी मात्रा में देना है, ये इतना देना है, ये इतना देना है, ये दर्द को कम कर देगा, ये निद्रा को थोड़ी और बढ़ा देगा, ये शौच के लिए ठीक हो जाएगा, ये कर देगा, ये सारा सर उन्होंने प्लान बना दिया था। जितने समय सुन लिया उतना हो गया काम उनका। अब बीच में और करोड़ने लग जाओगे तो सारे सारे दवाई समाप्त हो गई।